नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हमारे साथ है सुमन फ्रॉम गैजेट्स वाला, जानते हैं इनको, बहुत ही फेमस है। आज हम लोग बात करेंगे आसूस का जो मैक्स प्रो M1 है, जो हम लोग दोनों के पास है और यूज़र्स मतलब काफ़ी परेशान है इनके बहुत सारे बग्स से। इस पर डिटेल्स में आज बात करेंगे कि क्या इसमें हो रहा है और क्या आने वाला जो फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर ऑफ M1, यही समझ लीजिए इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो सर, अब बताइए आप हमें, तो इसका जो फ्यूचर के बारे में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कोई फ्यूचर नहीं है इसका, मतलब अभी कोई ना खरीदे? नहीं, अब इसको खरीदने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये जो Asus, सिर्फ ये Asus ZenFone Max Pro M1 ही नहीं, Max Pro M2 भी मेरे पास है और आपने देखे हो बग्स भर भर के दिया है उन्होंने। तो मतलब अभी हम लोग नहीं खरीदे, ठीक है, ये मान लिया हमने, चलो कि अभी का टाइम है, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए क्या आपको पास कुछ सॉल्यूशन है या कुछ सॉल्यूशन आने वाला है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जैसे मैं भी हूँ, मुझे तो रिव्यू नहीं मिला है, पर जिन लोगों ने प्राइस देके खरीदा है, जैसे मैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम अगर होता तो ठीक होता, पर यहाँ पे भर भर के यहाँ पे बग्स दिया गया है, चाहे वो एयरटेल वोल्टी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, नेटिव वीडियो कॉलिंग का, पबजी का, हर एक का प्रॉब्लम है। तो मतलब ईच एंड एवरी सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉब्लम ऐसा है क्या कि ये डिवाइस को यूज ही ना कर पाए? नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम तो इतना पहले नहीं था, कुछ नेटिव वीडियो कॉलिंग का था और जो एयरटेल वोल्टी का उसका था, पर ये जो पाइप का जो बीटा अपडेट है ना, वो आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम अभी नया तरीके से आ गया है। तो मतलब ये इसलिए बोल सकते हैं कि बीटा है, अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और मैं ये भी हर एक दर्शक को, जो आप यूजर्स हो Asus ZenFone Max Pro M1 को, उसको ये कहूंगा कि आप अपडेट अभी मत करो, अब ओरियो में रहो, ओरियो भी अच्छा है, स्टेबल अपडेट बहुत जल्द आ जाएगा और आप तब कर लियो। तो मतलब सर के हिसाब से आपका जो सिस्टम अभी निकला कि अभी अपडेट ना करो पाई का, लेकिन पाई का जब स्टेबल आएगा तब करो। अभी आप हमसे थोड़ा सा और इसके साथ जानकारियां दीजिए, जिसे आपने बिल्ड क्वालिटी बोले थे कि बहुत अच्छा है, अभी के हिसाब से क्या लग रहा है कि बिल्ड क्वालिटी अभी भी ठीक है? अभी तक इसका जो, देखिए Asus ने ये प्रोडक्ट तो काफी कमाल का दिया था और उस प्राइस रेंज में इस तरह का बिल्ड क्वालिटी आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था। अब भी मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही सॉलिड है, पर उससे होगा क्या? अब जो अंदरूनी भाग होता है उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। देखिए, जैसे मैं इसलिए पूछा ये ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि अभी जो प्राइस है, मान लीजिए 8,000, 8,500 या 8,000 से नीचे का भी मिल जाता है, तो मान लीजिए कोई ऐसा है कि जो अपने घर में परिवार को देना चाहता है उस प्राइस में, तो ये एकदम अभी भी किल कर देता है 8,000 में। तो वही तो क्वेश्चन आता है ना, बग्स। अगर आप इसको खरीदोगे, Asus आपको भर भर के फ्री में बग्स देगा, अगर आप बग्स के साथ चलना चाहते हो तो आप लोग, तो बग्स जो है काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है डिवाइस को यूज़ करने में। जैसे सर ने मुझे बताया भी थे और मैंने भी टेस्ट किया कि टच स्क्रीन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, एकदम टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रहा है। और बहुत बार ये हो रहा है, अगर आप टच स्क्रीन में कोई काम भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है अब से आप। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो एकदम थक गया हूँ, और एक बात जो Asus बोलता है वो करता नहीं है और जो बोलता है वो नहीं करता ही है, मतलब कुछ नहीं करता है, बात यही है यहाँ पर मुद्दा का जो है। सर अभी देखिए, दिसंबर पे इसका पाई अपडेट आना था, अभी इससे पहले मैक्स प्रो M2 में बीटा अपडेट आ गया, अभी वो कह रहे हैं बीटा अपडेट, और उसके बाद मैक्स प्रो M2 के बाद मैक्स प्रो M1 में दिया गया, वो भी बग्स के तो साथ। मतलब इतना बग्स और इतना दिन के बाद, तो इस सारे तरफ से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता कि अभी इस डिवाइस को ना लें, कस्टमर है वो वेट करें, उनको बीटा का जो OS है वो मिल जाएगा और आपका जो डिवाइस है पहले से मतलब जो स्मूथनेस था वो वापस मिल सकता है। और कुछ प्रॉब्लम के बारे में आपको कह देता हूँ, अगर देखिए आप, अगर फिर भी अगर आप अपने रिस्क में यानी बग्स लेके आप अपडेट करना चाहते हो, तो उससे पहले मैं इसके चैनल पे इसका लिंक छोड़ देता हूँ, आपको अगर अभी भी नहीं मिला है, बहुत सारे लोग है नहीं मिला है, आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, पर वो जो इंस्टॉलेशन का जो फोल्डर होता है ना, वो फोल्डर में मत रखिए, वो जो जो आपका जिप फाइल है उस फाइल को आप आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ फोल्डर रखिए, यानी रूट मेमोरी में रखिए। इतना ही नहीं, आप दिन रिस्टार्ट कीजिए,
आपको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, आप इंस्टॉल कीजिए। पर उससे पहले आपका जो ये ISUZU ZenFone Max Premium है इसमें लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट होना जरूरी है, फरवरी महीने का। अब वो भी अगर आपके पास नहीं है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ देता हूँ। मतलब यहाँ पर जो आपको पूरा प्रोसेस मालूम चल गया, जो पाई जो बीटा है, बीटा वर्सन है, उसका कैसे आपको इंस्टॉल करना है, जो कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि सर ने कहने का मतलब ये था कि आप अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में उस फोल्डर को, फाइल को ना रखें, इंटरनल में रखें, रूट फोल्डर में रखें, और आराम से आप आगे फैब का सिक्योरिटी पैच अपडेट कर ले, उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा एकदम। और जो प्रॉब्लम और दो प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो कैमरा से रिलेटेड, कैमरा ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एरर दिखा रहा है, और बहुत बार बहुत सारे एप्स भी यहाँ पे क्रैश कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, और इसके अलावा भी एक यहाँ प्रॉब्लम था जिसमें मेरे कस्टमर ने बताया, मतलब सब्सक्राइबर ने बताया था, तो मैं उसका सोल्यूशन किया तो काम हुआ। मोबाइल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जा रहा है बीच बीच में, मतलब बैठे 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 अचानक से रीस्टार्ट हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो हार्ड रीसेट का जो मेनू रहता है वहाँ पर जाकर वाइप आउट कर दीजिए, कैचे को वाइप आउट कर दीजिए, आपका ये डिवाइस मस्त चल रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना था। आशा करता हूँ कि सारा जानकारी आपको इसके डिवाइस के बारे में मालूम चल गया होगा। सर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि आपको जरूर से पसंद आएगा। और आप वहाँ पर जल्दी से जाके इनको सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी इनको लाइक शेयर सब करके दिखाइए कि हाँ हम में दम है, आपको मैं 1,00,000 जल्दी से पहुँचा सकता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में, ये बंदा बहुत ही हार्ड वर्क करता है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी ले आता है, और मैं यही आपसे दुआ करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके चैनल को प्यार कीजिए जैसे आप मुझे करते हो, तो हर एक यूट्यूबर को करते हो, इसको भी बड़ा होने में सहायता कीजिए। थैंक यू सो मच।